हे गाइस, हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयूर। आप देख रहे हैं टच पाव ब्लॉग। और गाइस, इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि मैं आज टॉप 5 ड्रिल मशीन लेके आया हूँ, जो कि मेरे ख्याल से आपने थंबनेल देख के पता चला लिया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ड्रिल मशीन बताने वाला हूँ, जो कि अलग अलग प्राइस सेगमेंट पे आपको देखने मिलेगी। तो वो कौन कौन सी मशीन है और मैं आपको पॉइंट के थ्रू बताऊंगा। तो 5 पॉइंट बनने वाले इस वीडियो में। और मैं एक और बात बता देता हूँ कि मैं 1500 से स्टार्ट होगा और एंडिंग 2800 तक। तो इनके बीच में कौन सी मशीन है वो आपको देखने मिलेगी। तो और आप चूज़ कर लेना कि आपको किस बजट पर आपको मशीन लेनी है। पॉइंट नंबर 1, टर्बोनेक्स। ये आपको 1500 के प्राइस सेगमेंट पर मिल जाएगी। और इसकी वॉल्ट की बात करें तो 600 इसका वॉल्ट है। और इसके इनर वॉल्ट की बात की जाए तो ये 220 वॉल्ट के साथ आपको देखने मिल जाएगी। और 50 हर्ट्स है इस ड्रिल मशीन का। और फिर मैं बात करता हूँ इसके आरपीएम की, तो आपको 1200 इसका आरपीएम देखने मिल जाएगा। और फिर मैं इसकी बात करूँ चक की, तो चक इसका 13 mm है। इसमें आप 1.5 mm के बीट लगा सकते हो मैक्सिमम। इसके अंदर 13 mm तक आप बीट लगा सकते हो। और फिर मैं बात करता हूँ इसके वायर की, जो कि इस मशीन के अंदर कंपनी देती है, 2 meter वायर आपको मिल जाएगा। और फिर मैं इसके बात करता हूँ इसके वेट की, तो यहाँ पर 2 kg वेट इसके अंदर आपको देखने मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, GSB प्रोफेशनल। इस मशीन को आप देखोगे तो सेम बॉश की कॉपी लगेगी, जो बॉश की GSB आती है सेम वैसी। और मैं बता देता हूँ कि ये मशीन आपको किस प्राइस सेगमेंट पे मिलेगी। 1700 की प्राइस सेगमेंट पे आप ये मशीन देख सकते हो, 1700। और मैं बता देता हूँ ये मशीन मुझे पसंद आई, मतलब इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको जिस भी प्राइस सेगमेंट पे मशीन बता रहा हूँ वो सब आपके लिए बेस्ट ही होगी। तो 500 इसका वॉल्ट देखने मिल जाएगा आपको। और इसका RPM जो है वो 2800 RPM आपको इस मशीन में देखने मिल जाएगा। और इसका जो चक है वो भी ऑब्वियसली 13 mm की है। मैं जितनी भी मशीन बता रहा हूँ आपको 13 mm की बता रहा हूँ। तो इसमें आपको 1.5 तक का बीट स्टार्ट होगा लगना, और लास्ट आप 13 mm तक का बीट लगा सकते हो इस मशीन के अंदर। और फिर इसके वायर की बात करें तो आपको 2 meter वायर इस मशीन में भी देखने मिल जाएगा। और फिर मैं इसके वेट की बात करूँ तो 1.9 kg का इसके अंदर वेट है। इस मशीन में भी आपको हैमर देखने मिल जाएगा, जो कि ठीक ठाक हैमर मिल जाएगा। ठीक ठाक नहीं बोल सकता हूँ, अच्छा हैमर बोल सकता हूँ आपको इस प्राइस सेगमेंट में मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3, प्लैनेट पावर ड्रिल मशीन, जो कि मार्केट में 1900 रुपये तक अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। तो इस मशीन के हैमर की बात करें तो हैमर के लिए ये मशीन बहुत जानी जाती है, क्योंकि इसका हैमर बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। और एक बात के लिए मैं भी इसका हैमर का फ़ैन हूँ, मुझे इसका हैमर बहुत ही पसंद आया। जब ये इस ड्रिल मशीन दीवार पे लगती है बहुत ही तगड़ा आवाज़ आता है इसके हैमर का। और इसके वोल्टेज की बात करें तो 750 इसका वॉल्ट है। और इसके इनर वॉल्ट की बात करें तो 230 इसका इनर वॉल्ट है। और फिर इसके RPM की बात करते हैं तो यहाँ पर 1800 RPM आपको इसके अंदर देखने मिल जाता है। और फिर इसके चक की बात करें तो यहाँ पर 13 mm का इसके अंदर चक लगता है, जो कि 1.5 तक का बीट आप लगाते हुए 13 mm तक आप इसके अंदर मैक्सिमम बीट लगा सकते हो। और कंक्रीट में आपको 13 mm तक ड्रिल कर सकता है, और स्टील में आपको ये 8 mm तक ड्रिल करता है, और वुड में 30 mm तक ड्रिल करता है। इसके ऊपर मैंने एक पर्सनल वीडियो बनाया है, आप चाहो तो मैंने यहाँ पर आई बटन में आपको लगा रहेगा आइकन, तो आप वहाँ से इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। उसमें आप मैंने पूरा डिटेल्स बताया इस मशीन के बारे में। और फिर इसके वायर की बात करें तो कंपनी आपको 2 meter वायर अवेलेबल करती है। और फिर इसके वेट की बात करें तो यहाँ पर 2 kg इसका वेट है। तो मेरे ख्याल से अगर आप सोच रहे हो एक अच्छा हैमर मशीन लेना, मतलब एक अच्छा ड्रिल मशीन लेते हो, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप प्लैनेट पावर बेस्ट है आपके लिए। पॉइंट नंबर 4, बॉश प्रोफेशनल GDC 501। तो इस मशीन में आपको हैमर देखने मिल जाएगा, लेफ्ट राइट देखने मिल जाएगा, और स्पीड कंट्रोल देखने मिल जाएगा। इस मशीन में 3 ऐसे फीचर्स हैं जो कि इस मशीन में आपको मिल जाएगा। अगर तीनों फीचर्स अगर आप लेना चाहते हो तो बॉश ले सकते हो। और मैं बता देता हूँ कि
बॉश सिर्फ आप ब्रांड से मत लो, ब्रांड से लो, सही कर रहे हो, ब्रांड से लो, बट इस मशीन को उस लेवल तक, अगर आप सोच रहे हो कि उस लेवल तक मैं इससे काम करूँ तो नहीं होगा। अगर आप उस लेवल तक काम करना चाहते हो तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप प्लैनेट पावर लो या फिर डॉन्चिंग लो। तो इन दोनों की मशीन आपको बहुत ज़्यादा काम करना है तो वो मशीन आप प्रीफर कर सकते हो। ये मशीन सिर्फ आप घर के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि घर में मैं 13 mm की ड्रिल मशीन चाहिए, हैमर की ड्रिल मशीन चाहिए, तो मैं सोचूंगा कि आप बॉश लो, क्योंकि बॉश घर के लिए बेस्ट है। और अभी मैं इसके वोल्टेज की बात करूँ तो यहाँ पर 500 इसका वोल्ट है, जैसे कि इसके मॉडल नेम में ही है 501, तो उसी तरह 500 इसका वोल्ट है। और यहाँ पर 2600 इसका RPM है, 2600 इसका RPM है। और इसका BPM की बात करें तो 25700 इसका BPM है। और यहाँ पर 13 mm का इसके अंदर बीट चक अवेलेबल है आपको, जिसमें 1.5 तक का बीट लगता है, सेम एज इट इज़ 13 mm तक लगता है। और वायर की बात करें तो इसके अंदर भी आपको 2 meter वायर देखने मिल जाएगा। और वेट की बात करें तो यहाँ पर 1.9 kg इसका वेट है, जो नेट वेट है। और तो बस मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप हैवी मशीन लेना चाहते हो तो बॉश को मत चुनो, क्योंकि बॉश के पार्ट्स भी अगर आप लेने जाओगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। और अगर आप शॉप के हिसाब से ले रहे हो तो बॉश बेस्ट है, वरना आप प्लैनेट पावर या फिर डॉन्चिंग। पॉइंट नंबर 5, डॉन्चिंग प्रोफेशनल DZJ03-13। अगर आप हैवी काम के लिए चुन रहे हो तो ये मशीन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस मशीन में भी बॉश की तरह 3 ऐसे फीचर्स है जो कि बहुत ज़रूरी है और ऑलमोस्ट ज़रूरी होते हैं। तो इस मशीन का वॉल्ट की बात करें तो यहाँ पर 500 इसका वॉल्ट है। और इसके हैमर की बात करें तो हैमर इसका प्लैनेट पावर से काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर इसके हैमर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके जो फीचर्स है लेफ्ट राइट, जैसे कि आपको लेफ्ट राइट इसके अंदर फीचर्स देखने मिल जाएगा। और फिर इसमें स्पीड कंट्रोल है और स्विच के अंदर भी स्पीड कंट्रोल का आपको स्विच दिया गया है, तो आप इस मशीन को चुन सकते हो। और फिर लो RPM की बात करें तो यहाँ पर 1450 का लो RPM है। और हाई RPM की बात करें तो 18850 का हाई RPM है। और फिर इसके चक की बात करें तो 13 mm है, ये भी EID 13 है, तो इसमें भी आप 1.5 तक का बीट लगाते हुए 13 mm तक बीट लगा सकते हो। और इसकी वायर की बात करें तो इसमें 2.5 meter वायर आपको देखने मिल जाएगा। और फिर इसके वेट की बात करें तो वेट में भी ये थोड़ी हैवी है, ये 2.5 kg की मशीन है, तो आपका काम भी उतना हैवी करती है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक पर्सनल वीडियो बनाया है जो कि आई बटन में आ रहा होगा, तो आप वीडियो एंजॉय कर सकते हो। और अगर गाइस आपको और भी किसी प्रोडक्ट पे, मतलब और भी कोई कटर मशीन हो या कोई भी मशीन हो, तो उस पर अगर आपको ऐसा ही टॉप 5 वाला वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। आप कमेंट करते रहो बस, और आपका प्यार देखो।